Hello students, welcome to online home class. I am Amita Gandotra, lecturer in sociology. And as all of you know that today, due to coronavirus, we all are locked down at our own houses, which is the required precaution at this point of time to stay safe. So, first of all, I would request all my students to stay home. Please stay home and stay safe. अब जैसे कि आप बच्चों को पता है कि we have made this WhatsApp group. And this WhatsApp group has been prepared for all you students. आप सब लोग अपने अपने घरों में ऑलमोस्ट एक महीने से बंद हो और बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आप लोगों के 11th के एग्ज़ाम्स भी राइट अब तक जो इन्फॉर्मेशन है इट हैज़ बीन पोस्टपोन. इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हम सबको पता है हमारा टाइम जो कि बहुत प्रेशियस है हम सबका वो टाइम वेस्ट हो रहा है. तो दिस व्हाट्सएप ग्रुप हैज़ बीन मेड कि हम अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें. हम दूर बैठे हुए आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, कुछ 11th का रिवाइज़ कर सकें, कुछ 12th का आपको इंट्रोडक्शन दे सकें. तो मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है डोंट एग्ज़िट फ्रॉम दिस ग्रुप. इस ग्रुप में बनिए, अपने आप को रखें और क्योंकि जितना हो सकेगा हम आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपकी क्वेरीज़ दूर करने की कोशिश करेंगे और जो 12th का सिलेबस है थोड़ा थोड़ा उसके साथ आपको हम इंट्रोडक्शन देनी शुरू करेंगे. सिंस माय कंसर्न इज़ विद सोशियोलॉजी तो मैं आज आपको थोड़ा 12th की जो सोशियोलॉजी है उसके सिलेबस के साथ रूबरू कराना चाहूँगी. हमारा 12th का जो सिलेबस है वो आपकी इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू बुक्स. द फर्स्ट बुक इज़ इंडियन सोसाइटी जिसमें देखने को तो आप देख रहे हैं इसमें कि 6 यूनिट्स कवर हो रहे हैं बट इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट इज़ नॉन इवैल्यूएटिव. बाकी के जो 5 हैं दैट कम्स अंडर इवैल्यूएशन. तो ये एक पेपर है जो कि इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है और दूसरा पेपर जो है दैट इज़ चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी. मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिलेबस है आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे जो मार्क्स हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का आपका सोशियोलॉजी का पेपर रहेगा बट 100 में से 20 विल बी योर असेसमेंट मार्क्स जिसमें 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एंड जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं इन सोशियोलॉजी और 5 मार्क्स जो हैं दैट विल बी योर इंटरनल प्रोजेक्ट मार्क्स. बाकी जो थ्योरी पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स. अब अगर मैं सिलेबस पे फोकस करूं तो सबसे पहला यूनिट जो है वो आता है इंट्रोडक्टरी इंडियन सोसाइटी सॉरी इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी. तो इसमें एक जनरल आपको इंडियन सोसाइटी को लेके अपने आप को अपने आप को बताना है कि व्हाट ऑल कम्स इन इंडियन सोसाइटी. जैसे कि एक इंडियन सोसाइटी का बहुत अपना एक यूनिक फीचर है विच इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया. और हम सबको पता है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन इन टर्म्स ऑफ कल्चर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मैं अपना फोकस डालती हूँ यूनिट 2 की ओर जिसमें है जो कि है डेमोग्राफी एंड सोसाइटी. डेमोग्राफी में आप डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपनी इंडियन सोसाइटी का
और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में भी इसमें वेरियस थ्योरीज आ जाती हैं, जिसमें माल्थ्यूसियन थ्योरी आप पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ जे एंड के इसको भी पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट पे अगर फोकस किया जाए तो थर्ड यूनिट कंसिस्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, और मुझे पता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जब आप यूनिट का नाम पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि दिस यूनिट हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट टू यू इन योर 11th क्लास। इस 12th में आपको फैमिली, मैरिज और कास्ट सिस्टम है एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, जबकि आपको याद होगा कि हमने 11th में सोशल इंस्टीट्यूशंस में फैमिली, मैरिज और किनशिप किया हुआ है। तो इट विल बी अ रेपुटेशन, ऑलमोस्ट रेपिटेशन है आपकी 11th का जो थर्ड यूनिट है। आप सबको, आप सब लोग इससे ऑलरेडी नोन में हैं, फैमिली क्या होती है, मैरिज क्या होती है, और कास्ट सिस्टम भी आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट यूनिट पे अगर फोकस करें, इट इज़ सोशल इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर जो आप सोशल इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ सोशल इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, इन टर्म्स ऑफ जेंडर। जेंडर की बात की जाए तो उसमें सोशल इनइक्वालिटी कैसे होती है, हाउ विमेन, स्टेटस ऑफ विमेन हैज़ बीन देयर इन आर इंडियन सोसाइटी, कैसे उसको रखा गया है मेल्स के साथ, मेंस के साथ इन आर सोसाइटी। हम वो कुछ एरियाज टच करेंगे इसमें, और जो स्ट्रगल है, द वेरियस स्ट्रगल्स थ्रू विच विमेन हैव गॉन थ्रू फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी इन द सोसाइटी, कुछ उसको भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो आता है, दैट इज चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। आपको पता है कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है, नेशनल इंटीग्रेशन इज एकता, एकता एट द नेशनल लेवल, नेशनल इज राष्ट्रीय लेवल पे एकता, राष्ट्रीय एकता जिसको हम बोलते हैं। तो अब हमारी राष्ट्रीय एकता जो है उसको लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमें वो कैसे मेंटेन करके रखनी है अपनी नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी में आपको पता है कि कॉम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, ये सब जो है वेरियस चैलेंजेस हैं जो कि हमें मीट आउट करने हैं टू मेंटेन आर नेशनल इंटीग्रेशन। हम इसको भी, मैं आपको डिटेल में इसमें हम जाएंगे जब हम इस यूनिट पे आएंगे। यूनिट 6 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ मेथडोलॉजी, दिस इज़ रिलेटेड टू योर रिसर्च। रिसर्च इज़ जब आप, जो आपका एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्क है आपकी इस 12th में, दैट इज़ रिलेटेड टू योर दिस यूनिट। आप जब ये यूनिट पढ़ेंगे तो उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। तो दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। एग्जाम्स में इस यूनिट को लेके बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, तो ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। जो पीछे मैंने टच किए यूनिट्स उसमें कुछ ना कुछ आपने पढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी, बट ये एक बिल्कुल आपके लिए नया सब्जेक्ट आ रहा है, एक नया टॉपिक आ रहा है रिसर्च को लेके। नेक्स्ट, दिस वॉज योर पेपर ए। अब जो पेपर बी है, पेपर बी ऐसा नहीं है कि दो होंगे आपके सोशोलॉजी के पेपर, दो बुक्स हैं। द सेकेंड बुक इज़ चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी। जब हम इसकी बात करें तो इसमें जो यूनिट 7 आता है, दैट इज़ प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। हमारे इंडियन सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं, जो सोशल चेंजेस आए हैं, वो किस तरह से आए हैं, कैसे कैसे हमारे समाज में बदलाव आया है, उसके रिगार्डिंग है ये चैप्टर। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन भी आप सबको पता है व्हाट इज़ संस्कृताइजेशन, जैसे कि 11th में आपने पढ़ा हुआ है अंडर MN श्रीनिवास, आई होप आपको याद होगा, MN श्रीनिवास के अंडर आपने संस्कृताइजेशन को पढ़ा हुआ है। एंड वेस्टर्नाइजेशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये आप इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हमारे समाज में सोशल चेंज आया, बदलाव आया, ठीक है। और अगर नेक्स्ट यूनिट पे हम जाते हैं, दैट इज़ चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी क्या होती है, आप सबको पता है रूरल सोसाइटी क्या होती है,
उसमें चेंजेस कैसे आए, उसमें डेवलपमेंट कैसे आई, कैसे कैसे वेरियस लैंड रिफॉर्म्स आए, कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने चेंजेस लाए, और कैसे हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसे आप जानते हैं क्योंकि आपके लेवल पे भी पंचायत्स हैं, आपके विलेजेस में भी, आपके गांव में भी पंचायत्स बनी हैं, तो पंचायती राज के थ्रू कैसे चेंजेस आए हमारी रूरल सोसाइटी में, ठीक है, हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे. इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट. नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसका हम मीनिंग पढ़ेंगे इन डिटेल. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, दीज टॉपिक्स विल बी टच्ड इन डिटेल. यूनिट 10 पे आ जाएं तो मास मीडिया और सोसाइटी को लेके है कि हाउ मास मीडिया, व्हाट इज मास मीडिया, पहले आप उसको पढ़ेंगे, एंड हाउ थ्रू मास मीडिया वी कैन स्टडी आर इंडियन सोसाइटी, कि मीडिया, मास मीडिया का क्या रोल रहता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, हम उसको पढ़ेंगे. और ये मीडिया, इसका एमर्जेंस कैसे हुआ, व्हाट ऑल आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, हम वो भी पढ़ेंगे. फाइनल जो है दैट इज़ सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक मूवमेंट्स क्या क्या रही जिसकी वजह से हमने अपने समाज में बहुत से बदलाव लाए, हमने चेंजेस लाई, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ क्लास की बात हो या कास्ट की बात हो. अगर हमने क्लास मूवमेंट की बात की तो उसमें पीजेंट मूवमेंट्स को हम टच करेंगे, हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे. और अगर कास्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो कास्ट मूवमेंट इज़ दलित मूवमेंट, जहाँ पर हमने मूवमेंट जो हमारी सोसाइटी में आई टू अपलिफ्ट द दलित्स इन अवर सोसाइटी, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए उनकी बात कैसे आई, क्या है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे. एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का भी हम इसमें पढ़ेंगे इन डिटेल, जिसमें स्पेशली हम चिपको मूवमेंट को पढ़ेंगे. और आपको वो याद होगा कि चिपको मूवमेंट, एक पॉइंट पे मैंने 11th में आपके साथ डिस्कस किया है व्हाट इज़ चिपको मूवमेंट, यहाँ 12th में हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है. तो अब मेरा आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट जो हमने मैंने आपका आज आपके साथ इंटरेक्ट किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट ऑल इज़ योर सिलेबस ऑफ 12th क्लास. आप अपने 12th क्लास के सिलेबस को, ये मैंने आपको एक पिक्चर के थ्रू बता दिया है. तो मैंने आपको बताया कि कैसे, कि ये क्या सिलेबस है आपका 12th का. आज आप इसमें थोड़ा सा अपने आप को, यू गो थ्रू द सिलेबस एंड अपनी नेक्स्ट क्लास में, या अगर आपको इन बिटवीन आपको कुछ क्वेरी जाननी है कि मैम इस यूनिट ये कितने मार्क्स का होगा, क्या क्वेश्चनिंग होगी, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आप अपनी क्वेश्चनिंग डाल सकते हैं ग्रुप में, एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू. नेक्स्ट क्लास में होपफुली मैं चाहती हूँ कि मैं यूनिट 3rd से स्टार्ट करूँ, सोशल इंस्टीट्यूशन से, बिकॉज ये यूनिट आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है. इट विल बी अ रिविजन फॉर यू पीपल, अपनी 11th का रिविजन हो जाएगा और साथ ही हम अपने 12th का एक यूनिट कवर कर लेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे होम.